जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर से कर लिया गया है गिरफ्तार। वकला की जानिब से गिरफ्तारी में रुकावट डालने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। शेर अफजल मरवत को 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। तो जीपीओ चौक से किया गया है गिरफ्तार शेर अफजल मरवत को। वकला की जानिब से गिरफ्तारी में रुकावट डालने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बनाई। शेर अफजल मरवत को 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। हमारा प्रोग्राम 8 फरवरी को तलू होगा और पूरे मुल्क में वो फिस्ताई कुव्वतें बढ़ेंगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनमा शेर अफजल मरवत की लाहौर हाई कोर्ट आमद। हाई कोर्ट बार के इजलास में शेर अफजल मरवत के हुकूमत मुखालिफ खिताब के दौरान वकला ने नारेबाजी की। ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। हाई कोर्ट बार से वापसी पर जीपीओ चौक में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के दौरान पीटीआई वकला जमा हो गए। वकला ने गिरफ्तारी में रुकावट डालने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस एहलकार शेर अफजल मरवत को गाड़ी में बैठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन के खदशे के पेश नजर 30 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ अरशद अली समा, लाहौर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। दूसरी जमातों को रैली और कन्वेंशन की इजाजत है जबकि पीटीआई के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया। हम शदीद मजम्मत करते हैं उसकी। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी?